एमटीएस का आज 3 शिफ्ट थी, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए अब आपके दिमाग में चल रहा होगा आने वाले शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है तो कि इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करा जाए। हालांकि मैं तो चाहता था कि वीडियो जो बनाई जाए वो आज जो क्वेश्चंस आए थे उस पर बनाई जाए और उसी के साथ साथ आने वाले शिफ्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर बनाए जाए, लेकिन ऐसा है कि सिर्फ 3 शिफ्ट को देकर हम नहीं बोल सकते कि आने वाले शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर आप बोलोगे फिर आज टॉप 10 टॉपिक क्यों लेकर आए हो। ये जो टॉप 10 टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ से आज एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ये वो टॉपिक है जहाँ से जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसीलिए ये टॉपिक ऐसे रहने वाले जो इस बार आने वाली शिफ्ट में वहाँ पर भी यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हर शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और कल या परसों से मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जहाँ पर आपके लिए सभी शिफ्ट का एनालिसिस करके जहाँ पर लगेगा हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी सामने लेकर आऊँगा आने वाली शिफ्ट में काम आने वाला है। अब देखो जैसे टॉपिक आपको बताना चाहूँगा, फेमस बुक और अथर की बात करेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी कई सारी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। और फेमस पर्सनैलिटी सचिन तेंदुलकर की बुक है, सौरभ गांगुली की है, MS धोनी की है, APJ अब्दुल कलाम जी की होगी, है ना। इस तरह से जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इनकी जो भी बुक्स हैं जो भी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है। ये टॉप 10 टॉपिक ही आपको आने ही आने चाहिए, जो मर्जी हो जाए GK की मैं बात कर रहा हूँ। फिर विटामिन को लेकर क्वेश्चन आया है और आने वाली शिफ्ट में भी ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ पे विटामिन सभी विटामिन के केमिकल नेम याद कर लेना, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, कौन सी विटामिन की सब्ज़ी में किस फ्रूट में है, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, इसे भी अच्छे से कवर कर लेना। अपकमिंग इवेंट स्पेशली स्पोर्ट्स को लेकर, अगर ओलंपिक होने वाले, अगले ओलंपिक कब होंगे, कहाँ होंगे, या फिर पैरालंपिक्स कहाँ पर होंगे, या वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है, हॉकी चैंपियनशिप, किसी भी तरह के जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पहले भी आते थे और आने वाले शूट में भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। डांस फॉर्म तो ऐसा टॉपिक है जहाँ से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए डांस फॉर्म और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को लेकर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है SSC MTS GK वाली, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हो। डिफ़िकल्ट लेवल के जो टॉपिक हैं इसमें वो भी आपको कवर करवाएं, फेमस पर्सनैलिटीज़ डिफ़िकल्ट लेवल तक भी टच करवाएं, तो जाके वीडियोज़ देख लेना। कल्चर के नाम से भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने भी इंडियन पॉलिटी के वो सभी करो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, किसी भी SSC के एग्जाम की बात करोगे वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, आज भी आए हैं और आने वाली शिफ्ट में भी आते रहेंगे। सेंसस 2011 से लास्ट टाइम भी कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आज पहला दिन था, आज भी कई तरह के क्वेश्चंस मिले और आने वाले शिफ्टों में भी ज़रूर आपको सेंसस 2011 पर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसकी वीडियो भी जाके ज़रूर देख लेना। आप सिंपल गूगल से भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, बेसिक डाटा सारा कवर कर लेना। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, अभी कल परसों एक आपको वीडियो करवाई थी, वहाँ पर आपको कहा था कि एग्ज़ाम में एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स की टर्म्स को लेकर, और उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया था एक्सपेक्टेड वाला, वो स्विमिंग को लेकर बनाया था, और आज वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। तो आप समझ सकते हो जो लास्ट टाइम भी टॉपिक थे इस बार भी वही टॉपिक्स को टच करा जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लो। सिर्फ 10 टॉपिक्स की बात करूँ, बाकी तो करना ही करना है, बट इनको स्किप नहीं करना है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, सारी भी अच्छे से कवर कर लो। फर्स्ट इंडिया वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, पहले पहले जो भी इवेंट हुए इंडिया में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि इंग्लिश का पोर्शन ऐड कर दिया, नहीं करना चाहिए था, GK का पोर्शन है, तो इसकी जगह जो भी अवार्ड्स अभी रिसेंटली मिले हैं किसी को भी किसी भी फील्ड में, वो सारे वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी आते थे। अवार्ड्स वाली कैटेगरी भी अच्छे से कवर कर लेना। रिवर लेक्स डैम यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। बाकी जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है 2011 का जो वर्ल्ड कप वो कहाँ पर हुआ था, है ना, गैशियस लॉ साइंस के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर ऑपरेशन गंगा को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन अलग हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी डिटेल्ड वीडियो क्वेश्चंस के साथ कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 3 सितंबर को, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रहेंगे उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी जो आने वाले टाइम पे आपके लिए काम आने वाली है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम हमारा डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से है, वहाँ पर भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।